अस्सलाम वालेकुम, इमरजेंसी 15 लाहौर, बताइए आपकी क्या इमरजेंसी है जी? बताइएगा किस जगह पे एक्सीडेंट हुआ आपको? अच्छा मुझे ये बताइएगा कि एक्सीडेंट की सेवेरिटी कैसी है, कोई सीरियस इंजरीज या डेथ रिपोर्ट हुई है? ठीक है, मैं रेस्क्यू 1122 को भिजवा देता हूँ आपके पास। मुझे ये बताइएगा क्या आपको पुलिस की भी ज़रूरत है? ठीक है, मुझे बताइएगा कि आपको यहाँ पे थाना कौन सा लगता है, मैं पुलिस भी डिस्पैच करा देता हूँ। ठीक है सर, अपना नंबर ऑफ ना कीजिएगा, मैं पुलिस डिस्पैच करा दी है, एम्बुलेंस भी डिस्पैच करा दी है, अभी थोड़ी देर में आपसे इसी नंबर पर रब्ता करेगी, नंबर को स्विच ऑफ ना कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, रेस्क्यू कंट्रोल रूम, एक मोटरसाइकिल सवार को हिट करके गई है, जिस पर दो सवार थे, एक को सीरियस हेड इंजरी है और दूसरे को मामूली खराशें हैं। जी जी सर, ये उनके इलाके में इंसिडेंट वाकया हुआ है और फौरन एम्बुलेंस मूव करवा दीजिएगा। ये नोट करें, हिट एंड रन केस है, कॉलर है, इसका नंबर है 030-20, आई रिपीट 030। लोकेशन बता रहे हैं, प्लॉट नंबर 71, बता रहे हैं एक वाइट कलर की बाइक को हिट करके फरार है, ओवर। अस्सलाम वालेकुम जी, जी कौन सी गाड़ी है जी, किस डायरेक्शन पे गई है ये जी, गाइड कौन सी गाड़ी है? ओके ओके, थैंक यू। अटेंशन प्लीज, ये रिटर्न रन का केस है, वाइट कलर की गाड़ी, इसने हिट किया और टूवर्ड्स अनोन, ये फरार हुई है। आप लोग अपने कैमरा इसको लोकेट करें, जैसे ही आपको नज़र आए इसको रोक दें, थैंक यू। वाइट कलर में ये तरफ आ रही है, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में आ रही है, ये हिट एंड रन है, ये पीछे कहीं हिट करके ये गाड़ी, अभी हमें यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई थी। जी बिल्कुल ये पहुँच रही है आपके पास, मैं इसे कैमरे से ट्रैक डाउन कर रहा था गाड़ी को। एग्जैक्टली इसे राउंड ऑफ करें एज सून एज पॉसिबल, ये आपकी डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, ये आपकी डायरेक्शन मूव कर रही है, इसे राउंड ऑफ करें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने प्रोग्राम के शुरू में देखा कि 15 एमरजेंसी सेंटर में एक कॉल मसूल होती है हिट एंड रन केस की, आइए हम आपको अपने इस प्रोग्राम में दिखाते हैं कि उन शहरियों को इस इदारे से PPIC3 से किस तरह से मदद फराहम की जाती है, तो आइए मेरे साथ। जी अभी आपने केस लिया कम्युनिकेशन ऑफिसर मुसब, तो आप मुझे बताइए कि आपने ये केस को किस तरह से डील किया और ऐसे केस अक्सर आते रहते हैं और इस पर आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं? जी बिल्कुल ज़ुबैर, असल में सबसे बड़ा केस का जो इशू होता है ना, वही सबसे बड़ा ये है कि जब भी कॉलर कॉल करता है आपको, वो इतना ज़्यादा पैनिक होता है कि उसे कुछ नहीं पता होता कि उसने क्या बात करनी है। ठीक है, तो उधर हमारा ये काम है कि हम उनसे पूछें कि उनको जो हमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है हम उनसे पूछते हैं, ठीक है, और जितना सिंपल हो सके, ठीक है, जिस तरह के ऐसे केसेस होते हैं बिल्कुल गैर ज़रूरी डिटेल्स हमें नहीं चाहिए होती हैं, ठीक है, सबसे पहले हम कॉलर से पूछते हैं कि इंजरीज कैसी हैं, ठीक है, आइदर के मामूली इंजरी है, किस नौयत की है, ठीक है, थोड़ी सवेयर इंजरी है तो ताकि आप अगर हम एम्बुलेंस भिजवाएँ, और अगर कोई डेथ वगैरह रिपोर्ट हुई है तो वो सबसे सवेयर होती है, ठीक है, जैसे छोटी मोटी खराश होती हैं उसमें हम रेस्क्यू 1122 के मोटरसाइकिल्स वगैरह भी भिजवा देते हैं, ठीक है, अगर जैसे कोई हड्डी टूट जाती है उसके अंदर फिर हम एम्बुलेंसेज भिजवाते हैं। उसके अलावा अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है इसके अंदर, जैसे हिट एंड रन का है, ठीक है, तो उसके अंदर हम केस में मेरा ख्याल से हिट एंड रन का ही, बिल्कुल हिट एंड रन का केस था, और इस केस के अंदर हम क्या करते हैं कि हम पुलिस को भी डिस्पैच कराते हैं ताकि एक तो फर्स्ट एड दी जाए एम्बुलेंस के थ्रू और उस बंदे को पकड़ा भी जाए ताकि वो कल को ऐसी कोई गलती ना करे। अच्छा मुसब, आप मुझे ये बताइए कि ये केस आपने बना दिया और उसको यहाँ सेव कर दिया, अब ये केस जो है वो आगे किधर जाएगा? अच्छा, हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं एक ही पीसी पे, ठीक है, जैसे कि हमारे पास पुलिस की कैटेगरी है, हमारे पास एम्बुलेंस की कैटेगरी है, हमारे पास फायर की कैटेगरी है, मैंने यहाँ से डिस्पैच कर दिया, अब जिस तरह पुलिस का एक डिस्पैच कंट्रोल सेंटर है, ठीक है, जिसके थ्रू पुलिस को डिस्पैच किया जाता है, उसी तरह रेस्क्यू का भी एक डिस्पैच कंट्रोल सेंटर है, ठीक है, इसी तरह एट अ टाइम आपने एक कॉल के अंदर दोनों पुलिस को भी और रेस्क्यू को भी दोनों को भिजवा दिए, इससे क्या हुआ है कि आपका टाइम सेव हुआ है और हो सकता है कि शायद इससे किसी की जान साइमल्टेनियसली जो है वो दोनों के पास चला गया, बिल्कुल। आगे की प्रोसेसिंग अब वो लोग करें, अब आगे की प्रोसेसिंग वो करेंगे, वो देखेंगे कि किसको भेजना है, कौन किसकी बीट बनती है, किसको भेजना है वो। बहुत शुक्रिया मुसाब जी। अस्सलाम वालेकुम वहीद, मुझे आप काइंडली ये बताइए कि ये हिट एंड रन का केस आपने जो पढ़ाया अभी, ये जब रेस्क्यू के पास इस तरह का कोई भी केस आता है तो रेस्क्यू उसको कैसे डील करती है?
सबसे पहले करीबी इलाके में जो एम्बुलेंस मैसर होती है उसको लिंक किया जाता है, वहाँ पे उसको नंबर दिया जाता है, इलाके की लोकेशन बताई जाती है और उसके बाद उसकी मूवमेंट करवाई जाती है। उसमें स्टाफ और एम्बुलेंस का आपस में कोऑर्डिनेशन भी होता है। उसके बाद जो कॉलर कॉल कर रहा होता है और एम्बुलेंस में जो मौजूद लोग होते हैं उनका आपस में रابطہ करवा दिया जाता है, वो लोकेशन लेने के बाद मूवमेंट कर जाती है और जाए हादसे पर पहुँच कर फर्स्ट एड दी जाती है या फिर हॉस्पिटलाइज किया जाता है। ये कितने मिनट का टाइम सिनेरियो होता है, कितने मिनट में रेस्क्यू पहुंच जाती है आमतौर पर? सर 7 मिनट का टाइम है, 7 मिनट में पहुंच जाती है। 7 मिनट में जो है वो रेस्क्यू पहुंच जाएगी अगर कॉलर को रिक्वायर्ड होगी लाहौर में कहीं भी? जी सर। जी ऑफिसर तस्बीहा, अभी आपने जो है हिट एंड रन का केस डिस्पैच किया है, इसको डिस्पैच करने का क्या प्रोसीजर है जरा ये तो बताइए। इसको डिस्पैच करने के लिए सबसे पहले हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद हमारी जो मुतल्लिका फोर्सेज होती हैं उनको हम पढ़ा देते हैं, उसमें हम अपनी अवेलेबिलिटी देखते हैं कि हमारे पास इस टाइम कौन सी पुलिस फोर्स जो है वो अवेलेबल हैं, क्योंकि मल्टीपल कॉल्स पे वो डिस्पैच होते हैं तो फिर हमें उनकी अवेलेबिलिटी देखना पड़ता है। तो जो अवेलेबल डॉल्फिन पीआरई होती है उनको हम फौरन से मैसेज पास करते हैं जिसमें हम उनको कॉलर्स की डिटेल बताते हैं, डिटेल जब बता देते हैं तो वो फौरन से रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड करने के बाद हम उनसे उनका अराइवल फीडबैक लेते हैं, जब वो पहुँचते हैं वो हमें नोट करवाते हैं कि हम पहुँच गए हैं। उसके बाद जब वो अपना सारा वहाँ पर प्रोसेस कर लेते हैं, उस कॉल को हैंडल कर लेते हैं, उसके बाद वो हमें फीडबैक नोट करवाते हैं। मुतलका डिवीजन के जो कंसर्न पुलिस स्टेशन होता है या डॉल्फिन पीरियड होती है वो आपको जो है फीडबैक नोट करवाते हैं? जी जी बिल्कुल, जिसको हमने डिस्पैच किया होता है उसी से हम फीडबैक लेते हैं और उस कंसर्न एरिया में जो रूमिंग पर होगा, जो पेट्रोलिंग पे होगा वही देगा। ठीक हो गया जी, डिपेंड करते हैं कि अवेलेबल कौन है। अब ऐसा लेकिन जो आमतौर पे फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट होते हैं वो डॉल्फिन वाले हैं गालिबन? डॉल्फिन हैं, लेकिन अगर कोई हीनियस कॉल आ जाती है जैसे कब्जे की कॉल आ जाती है, मर्डर की कॉल आ जाती है, तो उसमें सबसे पहले हम जो है ना वो थाने को पास करते हैं। सही हो। जब थाने को पास करते हैं साथ जो डॉल्फिन पीआरई होती है वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं कि वो जल्दी से वहाँ पे पहुँचते हैं, जाके पता करें कि क्या हालात है। नाज़रीन जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बयत वक्त डीसीसी और रेस्क्यू ने अपने बखूबी फराइज सर अंजाम दिए हिट एंड रन के केस में। अब एक यहाँ एक और डिपार्टमेंट मौजूद है जो कि गाड़ियों को ट्रेस करने के काम में अक्सर मददगार साबित होता है, वो डिपार्टमेंट कैसे काम करता है ये मालूमात हमें सब इंस्पेक्टर इमरान साहब देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह से अभी हमने देखा कि आपको एक कॉल मौसूल होती है उसमें आपको बताया जाता है कि ये फलां गाड़ी है, ये इस डायरेक्शन में गई है, तो इसके आगे आप ऑनवर्ड्स क्या करते हैं सर? जी जैसे ही हमें ये कॉल मौसूल होती है, ईसीसी डिपार्टमेंट हमारा एमरजेंसी कॉल सेंटर जो है वहाँ से अभी कॉल मौसूल हुई थी, आपने देखा भी कि हिट एंड रन केस के वाले जी जी जी, और उसको जैसे ही हमें कॉल ईसीसी वाले इन्फॉर्म करते हैं कि ये गाड़ी ये इस तरह की उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो फौरी तौर पे वो डिस्क्रिप्शन हम ओएमसी के जो पीसीओज हैं उनके साथ शेयर करते हैं ताकि वो अपने कैमराज जो उनको असाइन किए गए हैं उनमें उसको लोकेट कर सकें और उसको फौरी तौर पे राउंड अप करवाया जा सके और जो है उसको पुलिस के हवाले किया जा सके जल्द से। अच्छा मुझे काइंडली ये बताइए इमरान साहब कि अगर जस्ट सपोज़ गाड़ी उस पर्टिकुलर डिवीजन में हमारे कम्युनिकेशन ऑफिसर के सर्कल के कैमरे के राउंड में आ जाती है तो उसके बाद वो अब्रप्ट किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं पुलिस के साथ? वो जीआईएस सिस्टम है हमारा यहाँ पे, उसकी मदद से वो फौरी तौर पर सर्च करेंगे कि यहाँ नियरेस्ट जो पीरू डॉल्फिन या थाना की गाड़ी इस वक्त कौन सी अवेलेबल है, उसको फौरी कॉल करेंगे और ताकि कम से कम वक्त में रिस्पांस करवाया जा सके और उसको राउंड अप करवाया जा सके। जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कम्युनिकेशन ऑफिसर जैन शेख जो कि ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर डिपार्टमेंट के अंदर इस वक्त अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। हिट एंड रन का केस जो है वो जिस तरह से अनाउंस हुआ और मेरा ख्याल से अब इनसे पूछते हैं कि किस तरह से जो है ये गाड़ी को जो है वो ट्रैक करेंगे और अगर ये गाड़ी को ट्रैक कर लेते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे काइंडली आप ये बताइए कि ये किस तरह का से आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं इस हिट एंड रन केस को और क्या इसके प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर को देखते हुए आप ये तमाम चीज़ें ट्रैक करते हैं? एक्चुअली जुबैर साहब थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। हमें ना यहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई व्हीकल से रिलेटेड हो। हमें ना एक अनाउंसमेंट हुई थी अभी वाइट कलर, ठीक है, जिसने हिट एंड डन केस है जो पीछे कहीं एक्सीडेंट करके फरार हुई है और उसकी डायरेक्शन जो बताई गई है जो वहाँ पर विटनेसेस मौजूद थे उनके मुताबिक थी,
तो अभी ये अनाउंसमेंट हुई तो फॉर्चुनेटली मेरे पास जो कैमराज थे, मेरे पास कैमराज भी उस साइड के थे, तो मैंने उसको ज़रा वेरीफाई किया। तो वेरीफाई करने के बाद जो मेरी आगे फील्ड फोर्सेज मौजूद थी, डॉल्फिन की टीम्स मौजूद थी, उनका मैंने फ़ौरन कॉल पर रिस्पॉन्ड किया कि ये गाड़ी आपकी तरफ मूव कर रही है, इसको आप फ़ौरन जो है राउंड ऑफ करें। लेकिन हमारी बेसिकली यहाँ पे IC3 में रहते हैं, हमारी जिम्मेदारी ये थी कि जो हम तक अनाउंसमेंट मिली, जो हम तक इन्फॉर्मेशन कन्वे हुई, हमने एज इट इज़ उसको फॉलो करते हुए, हमने अपने SOPs को फॉलो करते हुए गाड़ी को राउंड ऑफ करवाया और आगे जो है मुतलका पुलिस तक हम उसको पहुँचा देंगे। बाकी जो कानूनी कार्रवाई है, जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी कानून के मुताबिक एक्शन होंगे, वो मुतलका पुलिस डिपार्टमेंट लेगा। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि PPIC3 पंजाब पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए कम्युनिकेशन ऑफिसर्स ने इस हिट एंड रन केस को बखूबी जो है वो सॉल्व किया। इसके साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़ुबैर शारिक, अलविदा।